अस्सलाम वालेकुम बेटे। हम लोगों का सेकेंड ईयर का क्रैश प्रोग्राम चल रहा है एप्टीट्यूड के हवाले से ईकेट एनकेट के लिए, और उसके अंदर अब तक हम लोग चैप्टर नंबर 14 के 3 लेक्चर्स मुकम्मल कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख लो, जाके गो थ्रू कर लो। आगे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है, दैट इज बायो एंड सेवर्ट लॉ। अच्छा बेटे, एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे आपको एक्चुअल बायो एंड सेवर्ट लॉ नहीं पढ़ाया जा रहा, वजह हमारे कोर्स का ही पार्ट नहीं है तो क्यों पढ़ाऊंगा। आपको बायो एंड सेवर्ट लॉ की एक एप्लीकेशन पढ़ाई जा रही है जो कि लॉन्ग इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, ठीक है। तो ये उनके लिए मैंने बता दिया, जो अगर कभी भी किसी मतलब YouTube पे कोई थंबनेल देखकर या YouTube पे इस तरह की कोई चीज देखकर आ गए, तो यहाँ एक्चुअल में जो बायो एंड सेवर्ट लॉ है जो हमारे BSc लेवल के ऊपर होता है वो डिस्कस नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे, या जो हमारे आगे पीछे वो डिस्कस नहीं कर रहे। हमने सिंपल क्या करना है, एक लॉन्ग या इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर बायो एंड सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। हमारे कोर्स में सिंध बोर्ड के अंदर इसको बायो एंड सेवर्ट लॉ का ही नाम दिया गया, ठीक है। क्या कहते हैं ये, क्या इक्वेशन है, देखो ये हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है। हम लोग अब तक ये बात एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि हमारी जो करंट कैरिंग वायर है इसकी वेसिनिटी में हमारे पास एक अदद क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये बात हमें अच्छे से पता है, ठीक है। वेसिनिटी में हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब मुझे बात बताओ, अगर मैं इसमें कुछ पॉइंट्स मार्क कर लूं, मान लो ये मेरा पॉइंट ए है, ये मान लो मेरा पॉइंट बी है, ये मान लो मेरा पॉइंट सी है, मैंने इसमें कोई 3 पॉइंट मार्क कर लिए ए बी और सी। अगर मैं कोई मैग्नेटिक नेचर का ऑब्जेक्ट ए पे रखता हूँ तो क्या वो अट्रैक्ट होगा, बिल्कुल, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अगर मैं बी पे रखता हूँ क्या तब भी अट्रैक्ट होगा, बिल्कुल, क्योंकि वो भी कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। सिमिलरली अगर मैं उसे पॉइंट सी पे रखता हूँ तब भी अट्रैक्ट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन क्या हर जगह पे जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो एक ही जैसी होगी कि अलग अलग होगी? तो आंसर है ऑब्वियसली क्या होगी, अलग अलग। ए पे ज्यादा होगी, बी पे कम होगी, सी पे और क्या होगी, कम होगी। तो ये कुछ आपका बायो एंड सेवर्ट लॉ बता, बायो एंड सेवर्ट लॉ की जो आपकी इक्वेशन है, दैट इज बी इक्वल्स म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, ये हमारी इक्वेशन है। ये क्या बता रहा है, देखो बायो एंड सेवर्ट लॉ सुनने में बड़ा भयानक सा लगता है, अजीब सा नाम है, टेंशन नहीं है ना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपको याद है मैंने आपको चैप्टर नंबर 12 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक इक्वेशन पढ़ाई थी, E equals K Q upon R square, याद है कुछ? ये इक्वेशन क्या बताती है, ये इक्वेशन बताती है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे, याद होगा K कूलम का कांस्टेंट है, दैट वाज डिपेंडिंग ऑन मीडियम, 1/4πε0 इन केस ऑफ एयर, ये K एयर था, एंड इन केस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ये क्या था, 1/4πε0 × εr, याद आ रहा है, ये सब हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही थी, मीडियम पे, किस पे डिपेंड कर रही है, सोर्स चार्ज पे, जिसकी फील्ड है किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज पे। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे सिंपल ये बताओ ये इक्वेशन क्या बता रही है, आप बोलोगे ये इक्वेशन बता रही है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कौन कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, परफेक्ट, 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है, मीडियम, सोर्स चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। पहले पढ़ लें, हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, याद है, ठीक है, हमारे चैप्टर 12 में हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए। जो इस इक्वेशन का मुकाम है चैप्टर 12 में, वो सेम वही मुकाम इस इक्वेशन का है चैप्टर 14 में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये क्वेश्चन क्या बता रही है, ये क्वेश्चन बताती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, ये कौन कौन से पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ये किस किस पे डिपेंड करता है। हमें नजर आ रहा है बी म्यू नॉट पे डिपेंड कर रहा है, क्या है अभी समझते हैं, नजर आ रहा है आई पे डिपेंड कर रहा है, नजर आ रहा है आर पे डिपेंड कर रहा है। पहले जो तुम्हें चीजें पता है वो देखिए, आई से क्या मुराद है, करंट इन अ वायर। अगर मान लो इसमें 2 एम्पीयर करंट गुजर रहा है और यहां पे मेरे पास कोई इस पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक नेचर का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये अट्रैक्ट होगा, बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहां पे कोई मैग्नेटिक नेचर का ऑब्जेक्ट रखा है
और करंट कैरिंग वायर की विसिनिटी में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये लास्ट में अट्रैक्ट होगा। अगर 2 एम्पीयर के बजाय मैं यहां से करंट गुजारना शुरू कर दूं 20 एम्पीयर, तो क्या पहले से इतना अट्रैक्ट होगा या पहले से ज्यादा? तो आंसर है पहले से ज्यादा। बचाओ, विसिनिटी में मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्शन आ क्यों रही थी? करंट की वजह से। करंट बढ़ा दिया तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये बता कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो किस पर डिपेंड कर रही है? करंट। करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। जो पहले कम अट्रैक्शन फील कर रहा था आपको, ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा। दूसरी चीज क्या है? डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। मतलब अगर मैं यहां पे मौजूद हूं या अगर मैं यहां कहीं पे मौजूद हूं, मान लो इस पॉइंट पे, तो मुझे नजर आ रहा है मेरे पास इस पॉइंट का फासला कम है और इस पॉइंट का फासला क्या है, ज्यादा है। तो इस पॉइंट के ऊपर जितनी शिद्दत से अट्रैक्शन आएगी, इस पॉइंट पे क्या उतनी शिद्दत से आएगी? नहीं, कम से आएगी। वजह, क्योंकि आप करंट कैरिंग कंडक्टर से क्या हो रहे हो, दूर जा रहे हो। भाई ये चीज बताता है बायोडेंट सेवर्ड लॉ। ठीक है मेरा बेटा, तो पहले पढ़ा, मुश्किल तो नहीं है ना भाई, चीजें आसान आसान सी चीजें। देखो जब हम चैप्टर 14 शुरू करते हैं ना, सीधी सी बात बता रहा हूँ, 5-6 साल हो गए पढ़ाते हुए, बच्चा अजीब भयानक बावलों की तरह घूर रहा होता है, पता नहीं क्या पढ़ाने जा रहे हैं। अजीब जहन में लगता है फिजिक्स पढ़ाने के लिए जो है ना, वो कोई अजीब बहुत ज्यादा ना शक्ल पे खबासत तारी करने की जरूरत नहीं होती है, वो वैसे भी समझ में आ रही होती है, जहन में रखो। ठीक है, तो ये क्या बता रही है क्वेश्चन में? सिंपल है, रटा मारो फंसोगे। ये क्या है भाई? ये क्वेश्चन है जो बता रही है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कौन कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। सीधा सीधा जैसे ये बता रहा था वैसे ये बता रहा है, बस इसको नाम नहीं दिया था, इसको नाम दे दिया बायोडेंट सेवर्ड लॉ। आई रिपीट, दिस इज नॉट द ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ बायोडेंट सेवर्ड लॉ। ये कब अप्लाई होती है या ये कब है इक्वेशन? आपको नजर आ रहा है कि जो मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर बनाया है, इसको हम कहते हैं अ वेरी लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। इसकी मैग्नेटिक फील्ड की एक लॉन्ग इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन है। तो क्या अगर कोई फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा उसकी ये नहीं होगी? नहीं। अगर कोई और होगा उसकी नहीं होगी? ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, डिटेल में पढ़ाऊंगा जिस दिन इंशाल्लाह, ऑल ऑफ द कोर्स जाके भी सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हमारे कोर्स में ये लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर की विसिनिटी में अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो वो 3 पैरामीटर पर डिपेंड कर रही है, म्यू नॉट, करंट और आर। ठीक है, अब आता है म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है? मेरा बेटा म्यू नॉट कहलाता है परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आपको एप्सिलॉन नॉट याद है? ये एप्सिलॉन नॉट जो मैंने पढ़ाया था, ये एप्सिलॉन नॉट क्या था याद करो? एप्सिलॉन नॉट था मेरा बेटा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। याद आ रहा है एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था आपके पास किसी भी, ये क्या बताता है, किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स कितना अच्छे से पेनिट्रेट कर सकती है। याद आ रहा है? किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स कितना अच्छे से गुजर सकती हैं, पास हो सकती हैं, फ्लक्स पेनिट्रेट कर सकता है, डिफ्यूज हो सकता है, वो कौन बताता है? एप्सिलॉन नॉट। जो काम एप्सिलॉन नॉट का चैप्टर 12 में था वही काम म्यू नॉट का चैप्टर 14 में। म्यू नॉट क्या बताता है? म्यू नॉट बताता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डिफ्यूजन की सलाहियत किसी भी मीडियम से। बात समझ आ रही है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैं मिसाल से समझा दूं, टेंशन नहीं लो, सब समझ में। ये मान लो मेरे पास एक मीडियम है, यहां से 5 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, 3 को गुजरने दिया, 2 को डाइवर्स कर दिया। तो ये बेसिकली क्या है? परमीएबिलिटी है, कितनों को परमिशन मिला उसमें से पास होने। पहले बड़ा परमिशन अलाउ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू अ गिवन मीडियम, ये उसकी क्या होती है? परमीएबिलिटी, डिफ्यूजन फैक्टर, अलाउंस फैक्टर, परमिशन फैक्टर। कितने अच्छे से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा सकती है, कितने अच्छे से मैग्नेटिक फ्लक्स जा सकता है। अब आपको मैं मिसाल देता हूं, मैंने पहले बताया जो सारा कहानी में समझा रहा हूं ईकेट एमकेट वालों के लिए, क्योंकि रेगुलर वालों के लिए और बहुत कुछ पढ़ाना होता है। तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मर होता है, आपने शायद कभी पढ़ते में पहले पढ़ा हो, ट्रांसफॉर्मर का जो कोर बनाया जाता है, कोर किससे बनाते हैं? सॉफ्ट आयरन से। दुनिया में 36,837 मटेरियल है। मिसाल दी है, ये लिखने मत बैठ जाना, सही है? जैसे घर में अम्मा अब्बा कहते हैं ना, अब 25,000 पर समझाया फिर तू वही बोंगी मारता है, तो मिसाल है। ठीक है, ये लिखने मत बैठ जाना, 36,837 जो भी कहा था मैंने।
तो दुनिया में इतने 35,000 अलग अलग मटेरियल्स थे, सॉफ्ट आयरन ही क्यों चूज किया? क्योंकि सॉफ्ट आयरन की परमिएबिलिटी ज्यादा है। लिख लेना, ये लिख लेना, सॉफ्ट आयरन की परमिएबिलिटी ज्यादा है। क्या मतलब? ज्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को अलाउ करेगा। मतलब मान लो यहाँ पे मेरे पास एक मीडियम है, इसमें मेरे पास तीन लाइन आई, एक ऊपर से चली गई, एक नीचे से चली गई, एक अंदर से गई। ये मान लो सॉफ्ट आयरन है, इसमें मेरे पास आई तीन लाइन और तीनों की तीनों इसके अंदर से गई। तो मैं कहूंगा सॉफ्ट आयरन ज्यादा परमिएबल है एज कम्पेयर टू दिस मीडियम। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर से ज्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को क्या कर रहा है, गुजरने की इजाजत दे रहा है, अलाउ कर रहा है। बात समझ आई? चलो कमिंग बैक टू द पॉइंट, देखो मेरा बेटा, यहाँ पे हमारे पास, हमें ये बात समझ में आती है कि बायोनेट सेवर्ट की जो इक्वेशन है, बायोनेट सेवर्ट की जो इक्वेशन है, बी इक्वल्स म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, इसमें म्यू नॉट के ऊपर हम बात कर रहे थे। मेरा बेटा किसी भी चीज की परमिएबिलिटी, मैं रिपीट कर देता हूँ अपने पास डेफिनेशन, चाहो तो लिख लो। परमिएबिलिटी क्या है? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के गुजरने का इजाजतनामा। किसी भी चीज की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हम दो तरह से डिफाइन कर सकते, या तो आप कहो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, या आप कहो रिलेटिव परमिएबिलिटी। जितने लोगों ने चैप्टर 12 देखा है ना, वही कहानी चलने वाली है। एब्सोल्यूट क्या है? म्यू नॉट। रिलेटिव क्या है? म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय म्यू आर। ये ध्यान में रखना। आगे ये जो म्यू नॉट है, ये क्या कहलाता है मेरा बेटा? ये कहलाता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 4π × 10⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर मीटर। अभी आपको इसकी ये, चलो मान लो यूनिट हमें नहीं पता, ये भी आपको निकाल के भी लिखा, टेंशन नहीं है। अब जरा मेरा बेटा जरा गौर से ना यहाँ पे कहानी को समझ, ये क्या है और इसमें क्या कहानी है, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या है, एब्सोल्यूट क्या है, मैं समझा। सपोज करो मैं तुम्हें कहता हूं, मुझे मैं कहता हूं मुझे फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी बताइए, मतलब फ्री स्पेस में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कितने अच्छे से गुजर सकती है, मुझे इसकी परमिशन बताइए। आप बोलोगे सर वैल्यू है 4π × 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर, दैट इज म्यू नॉट। वेरी गुड। अब मैंने बोला मुझे बताओ आयरन की कितनी है, आप बोलोगे सर आयरन की है म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय म्यू आर, क्योंकि फ्री स्पेस की एब्सोल्यूट होती है, बाकी सबकी एब्सोल्यूट नहीं होती, बाकी सबकी रिलेटिव होती है। मतलब समझते हैं जरा। मैंने कहा नहीं, मुझे वैल्यू बताओ, जैसे आपने यहाँ एक वैल्यू बताई ना 4π × 10⁻⁷, मुझे वैसी वैल्यू बताओ। आप बोलोगे सर हमें म्यू नॉट तो पता है, म्यू नॉट कितना है 4π × 10⁻⁷। अगर आप हमें म्यू आर की वैल्यू बता दे तो हम मल्टीप्लाई करके आपको किसकी परमिएबिलिटी बता देंगे, आयरन की। बात समझ में आ रही है? आप मुझे बोलोगे अगर आप हमें आयरन के लिए म्यू आर की वैल्यू बता दे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके हम किसकी वैल्यू बताएंगे, आयरन की परमिएबिलिटी। अब गौर से देखो, मैं तुम्हें कहता हूँ अच्छे चलो उसको भाड़ बना लो आयरन को, मुझे कोबाल्ट की बताओ। तुम बोलोगे कोबाल्ट में हमें म्यू नॉट तो पता है, आप कोबाल्ट के लिए म्यू आर बताएं तो हम आपको कोबाल्ट की परमिएबिलिटी बताएंगे। बात समझ आई? देखो जब मैं तुम्हें बोलता हूँ मुझे फ्री स्पेस की बताओ, एयर की बताओ, वैक्यूम की बताओ, एयर की और फ्री स्पेस की अलग अलग होती है लेकिन करीब करीब होती है, तो एक ही होती है। एयर की बताओ, फ्री स्पेस की, वैक्यूम की बताओ, तो आप डायरेक्ट मुझे मुंह फाड़ के आंसर बता रहे हो 4π × 10⁻⁷। लेकिन जब मैं पूछ रहा हूँ आयरन की बताओ, निकल की बताओ, कोबाल्ट की बताओ, तो आप बोल लो सर म्यू आर तो बताएंगे, ऐसा मसाज तो नहीं चलेगा। बस समझ आ रही है? आप बोल लो आयरन के लिए म्यू आर बताए। चलो मैंने कहा आयरन के लिए म्यू आर है 300, आपने 300 को रखा मल्टीप्लाई कर, सर ये नहीं आंसर आ। अब आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन जैसे तमाम एलिमेंट्स की परमिएबिलिटी निकालने के लिए आप किस वैल्यू के मोहताज हो? म्यू आर पे डिपेंडेंट हो। ये कहला रही है रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्यों? क्योंकि आप रिलेशन से निकाल रहे हो आंसर, डायरेक्ट आंसर नहीं पता आपको। एयर का डायरेक्ट आंसर पता है, ये पता है ना हमें, ये एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट वो होता है जिसको किसी से निकालना ना पड़े, डायरेक्टली बता दिया ये आंसर है। पहले बढ़ा, मैंने कहा मेरी परसेंटेज 89 आई है, आई थी सेकंड ईयर में, ठीक है, तब हम पढ़ने वाले बच्चे होते थे, मेरी परसेंटेज 89 है, ये एब्सोल्यूट सेंस है इंफॉर्मेशन को कन्वे करने का। मैं कहता हूं कि मेरी परसेंटेज अली से 4% ज्यादा है, मेरी परसेंटेज अली से 4% क्या है, ज्यादा। अब अगर तुम्हें अली की पता है तो मेरी बता सकते हो, या मेरी पता है तो अली की बता सकते हो, लेकिन अगर दोनों की नहीं पता तो तुम किसी की नहीं बता सकते। ये रिलेटिव सेंस है। तो पहले बढ़ा, बात समझ आई?
म्यू आर बता दिया तो आंसर बता दो ये क्या है रिलेटिव परमिएबिलिटी। जहां भी रिलेटिव परमिएबिलिटी आएगी ऐसे लिखेंगे म्यू नॉट इनटू म्यू आर, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी को ऐसे लिखेंगे। ध्यान में रखना रिलेटिव परमिएबिलिटी का यूनिट और एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का दोनों का यूनिट क्या होता है सेम, क्योंकि रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या है म्यू नॉट इनटू म्यू आर, ये जो म्यू आर है ना मेरा बच्चा म्यू आर कहलाता है रिलेटिव परमिएबिलिटी कांस्टेंट, लिख लेना रिलेटिव परमिएबिलिटी कांस्टेंट। नंबर होता है कोई, जैसे आयरन के लिए मैंने बताया था अभी 300, किसी और के लिए 250, किसी और के लिए 150 मिसाल दे, तो ये रिलेटिव परमिएबिलिटी कांस्टेंट। और ये जो म्यू आर है जैसे आपको पीछे पढ़ाते में बताया था एप्सिलॉन आर हमेशा 1 से बड़ा होता है, यहां म्यू आर 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है, ध्यान में रखना ये बात ठीक है। क्योंकि आपको पता है हमारे पास 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, वैसे तो फेरी भी होते हैं लेकिन उसको हम डिस्कस नहीं करते हैं, तीन है उन तीनों में से किसी को डिस्कस नहीं करेंगे भाई क्योंकि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। तो इसलिए बता रहा हूं कि म्यू आर ग्रेटर देन 1 भी होता है और लेस देन 1 भी होता है, जबकि चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक्सेलेंट एप्सिलॉन आर हमेशा ग्रेटर देन 1, टेंशन ही कोई नहीं ठीक है। इसलिए मैंने ऐसा कहीं नहीं लिखा कि म्यू आर ग्रेटर देन 1 है या लेस देन, जो पॉइंट्स बता दो यार वो लिख लो। रिलेटिव परमिएबिलिटी का यूनिट वही है जो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का, क्यों? क्योंकि ये म्यू आर तो यूनिटलेस चीज है, कांस्टेंट है ना, नंबर है, तो म्यू नॉट वाला यूनिट है। यूनिट कहां से आया था और फिर ये होता क्या है ये समझते हैं। मैंने अभी आपको बायोट सेवर्ट लॉ बताया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट की यूनिट निकालनी 2 पाई आर को वहां फेंको, उठा के करंट को बाहर आ रहे हो करंट को नीचे ले आओ, ये बन गया म्यू नॉट, यूनिट निकाल। बी की यूनिट पता है क्या होती है? वेबर पर मीटर स्क्वायर, बच्चे ये मैं पढ़ा चुका हूं। आर की यूनिट क्या है? मीटर अपॉन आई की यूनिट क्या है? एक मीटर से एक मीटर क्या हो गया कैंसिल, वेबर ये मीटर और एम्पियर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अबे इतनी मैथ नहीं आती, सही है आती चाहिए इतनी मैथ भाई। वैसे देख लो इस ए के नीचे 1 है, पलटेगा तो 1 अपॉन ए, 1 ऊपर चला मल्टीप्लाई हो जाएगा मीटर, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल। तो वेबर पर एम्पियर मीटर, तो हमने बोला लिख लेना परमिएबिलिटी क्या थी, अलाउंस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू अ गिवन मीडियम। सॉफ्ट आयरन एक अच्छा परमिएबल होता है, एक उसकी परमिएबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग ट्रांसफॉर्मर के कोर बनाने में सॉफ्ट आयरन को यूज करते हैं। दुनिया में परमिएबिलिटी को बताने के हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो आप एब्सोल्यूट सेंस से बताते हो, या रिलेटिव एब्सोल्यूट किसकी होती है, एयर की होती है, वैल्यू कितनी है बता दी मैंने 4 × 10⁻¹। बाकी सबके लिए क्या है? म्यू नॉट इनटू म्यू आर। तो हमें क्या समझ में आया? समझ में आया कि हमारे पास जो बी है अकॉर्डिंग टू बायोट एंड सेवर्ट लॉ, एक लॉन्ग इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर की विसिनिटी में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ की इक्वेशन क्या है? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ध्यान में रहेगा, यानी कि अगर पूछा जाए कि एक लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर की विसिनिटी में जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करती है, आप बोलोगे मटेरियल पे करती है, क्योंकि म्यू नॉट आ रहा है ना, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये इसकी विसिनिटी में मैग्नेटिक फील्ड, आप यहाँ पे मतलब ये दरमियान में जो जगह है इसमें एयर की जगह है, सॉफ्ट आयरन फिलअप कर दो तो यहाँ पे जो फोर्स है वो कुछ और होगी, तो किस पे डिपेंड कर रही है? मीडियम पे, दरमियान में है, किस पे डिपेंड कर रही है? करंट पे। और किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? कम होती जाएगी। ये हमारा क्या था? बायोट एंड सेवर्ट इक्वेशन, ठीक है, ध्यान में रखना है बायोट एंड सेवर्ट इक्वेशन। अच्छा, हमारी जो बायोट एंड सेवर्ट इक्वेशन है, इससे पहले हमने ऑर्सेट की थ्योरी पढ़ी थी। जो हमारी ऑर्सेट की थ्योरी है उसमें क्या था? अगर ये मेरा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी विसिनिटी में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, कुछ याद आ रहा है? राइट हैंड क्रिपिंग रूल पढ़ाया था बिल्कुल पहले लेक्चर में, मैंने बताया था जो मेरा राइट हैंड रूल है, राइट हैंड क्रिपिंग रूल की बात कर, इसमें एक मेरे पास थंब है और एक मेरे पास कर्लिंग फिंगर, मैंने बताया था अगर ये क्या राइट हैंड रूल यूज कहां होता है? करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने में। मैंने बताया था एक चीज स्ट्रेट होगी, एक चीज घूम रही होगी, जो चीज घूम रही है उसे कर्लिंग फिंगर से शो करेंगे, जो चीज स्ट्रेट है उसे थंब से शो करेंगे। बच्चे ये बात हुई थी ना पहले वीडियो में, ये बात हुई थी, ठीक है। चलो यहां पर मुझे नजर आ रहा है करंट स्ट्रेट जा रहा है, तो मैं थंब से बेसिकली किसे शो करूंगा? करंट को। कर्लिंग फिंगर से किसे शो करूंगा? मैग्नेटिक फील्ड। देखो ऐसे था, ये बताया था मैंने, ऐसे था यहां पे, मतलब इस पॉइंट पे निकाल लें तो यहां पे ले आओ, इधर टेंजेंट, इधर निकाल लें यहां ले आओ, इधर टेंजेंट हो गया,
मतलब किधर निकाल रहे हैं, पल्ले पड़ रहे, क्या कर रहा हूं, थंब रखा, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रही है तो हर पॉइंट पे क्या है टेंजेंट, यहां रखा इधर 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 टेंजेंट, यहां रखा इधर, पल्ले पड़ा। क्या बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की विसिनिटी में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये किस फॉर्म में होती है, एक अलग सर्कल में होती है, और ये जो सर्कल में होती है इसका जो डायरेक्शन होता है ये डायरेक्शन कहां होता है, अलोंग द टेंजेंट टू द पॉइंट जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाए। पहले बड़ा फिर रिपीट कर, ये मेरे पास मान लो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये थंब करंट को शो कर रहा है, ये हाथ घुमा रहा, मान लो मुझे इस पॉइंट पे निकाल, ये पॉइंट फील्ड के अंदर है, मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल, अब यहां पे यहां से इसको घुमाते घुमाते यहां आया, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये यहां निकाल लें, इसे घुमाते घुमाते यहां आया इधर है, यहां निकाल लें, इसे घुमाते घुमाते यहां आया इधर, पल्ले बढ़ रहा है, इधर निकाल लें, इसे घुमाते घुमाते यहां आया, समझे? करंट कैरिंग कंडक्टर की विसिनिटी में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस फॉर्म में, सर्कल, और डायरेक्शन कहां पे, अलोंग द टेंजेंट। अब अगर चैप्टर नंबर 4 आपने अच्छे से पढ़ा है, तो वहां भी हमने टेंजेंट की मेरा बेटा एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, दैट प्रॉपर्टी वॉज, देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखो जरा, इसको बी वन कह रहा हूं, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखो जरा बी टू कह रहा हूं, यहां मैग्नेटिक फील्ड देखो जरा इसे बी थ्री कह देते हैं, यहां मैग्नेटिक फील्ड देखो जरा इसे बी फोर कह देते हैं, यहां मैग्नेटिक फील्ड देखो जरा इसे बी फाइव कह देते हैं, यहां देखो जरा इसे बी सिक्स कह देते हैं। मैंने 6 अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताया है विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट। मुझे देख के बताओ क्या ये जो 6 के 6 पॉइंट, इन 6 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है या सेम है? इन 6 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर है ये अलग अलग है या सेम है? आप बोलोगे अलग अलग है। क्यों बोलोगे अलग अलग है? इसलिए बोलोगे क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये जो चीज है ये गलत क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर 2 चीजों पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड की तो बात ही नहीं हो रही, मैग्नीट्यूड की बात तो मैं बाद में करूंगा, फिलहाल इसकी बात कर रहा हूं डायरेक्शन की। इसका डायरेक्शन इसके डायरेक्शन से एक जैसा है कि अलग है? अलग है। डायरेक्शन चेंज तो वेक्टर चेंज, ये बात हमने चैप्टर 2 में स्केलर वेक्टर में अच्छे से पढ़ी थी। डायरेक्शन चेंज तो वेक्टर चेंज, डायरेक्शन चेंज तो वेक्टर चेंज, डायरेक्शन चेंज वेक्टर चेंज, चेंज चेंज, पहले पढ़ो। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं अगर मैं 6 अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर डिफाइन करता हूं, हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगा वो दूसरे से क्या होगा, चेंज होगा। पहले पढ़ो, अगर मैं 6 के बजाय 6000 पॉइंट पे डिफाइन करूं तब भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर हर पॉइंट पे क्या हो, चेंज। यही बात हमने पढ़ी थी कि एक सर्कल है, इस पे आप जितने मर्जी टेंजेंट बना लो, हर टेंजेंट दूसरे से यूनिक होगा। ये लिख लेना अपने पास, एक सर्कल पे जितने टेंजेंट बना लो हर टेंजेंट दूसरे से क्या हो, यूनिक। पल्ले बड़ा, क्लियर है मेरा बेटा? हर टेंजेंट दूसरे से क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है? कोई भी 2 टेंजेंट सेम नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अलग है। टेंजेंट कहते ही उसको एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक्सटर्नली उस एक पॉइंट पर टच करती भी जाए, अगर एक से ज्यादा लाइन टच करती भी जाएगी तो फिर वो टेंजेंट ही नहीं रहा। टेंजेंट की प्रॉपर्टी है कि वो यूनिक होता है। मेरे बेटा ये सारी चीजें जहन में आ रही है, चैप्टर 4 में पढ़ाया था, खुद ही खुद को पढ़ा के तो कुछ नहीं हो रहा ना, ठीक है? चल, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सारी कहानी समझ में आ गई। अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर आप इसके ऊपर एंड पॉइंट्स भी ले लो, एंड पॉइंट्स के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर होगा ये क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, एक जैसे नहीं होंगे अगर आप एंड पॉइंट पे लो। रीजन लिख ले रहा हूं क्यों अलग है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट हर पॉइंट की यूनिक प्रॉपर्टी है, हर पॉइंट का टेंजेंट दूसरे से क्या होता है, चेंज। पहले बढ़ गया मेरा बेटा, आधे क्लियर है? अब चलो हमें ये तो पता चल गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के जो वेक्टर हैं ये अलग अलग। अगर मैं इनकी मैग्नीट्यूड की बात करूं, मुझे यहां पे मैग्नीट्यूड बताओ, अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात कर, एरो हटा दिया मैंने, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है, इस पॉइंट पे
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा वो कितनी होगी? आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बायोट एंड सेफर्ट लॉ के लिहाज से फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी डिपेंड करती है म्यू नॉट पे, आई पे और आर। और से देखना था, अगर मैं इन पॉइंट्स को नाम दे दूं, अगर मैं इन पॉइंट्स को नाम दूं, इसको नाम दे रहा हूं ए का, इसको नाम दे रहा हूं बी का, सी का, डी का, ई का और एफ। और से देखो, ये मेरे पास ए पॉइंट है, सर्कल में घूमते हुए ये बी पॉइंट आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर, ये मेरा पॉइंट ए है, ये फील्ड के अंदर और ऐसे सर्कल में घूमने में, अगर मैं यहां पे रखता हूं तो क्या ये करंट कैरिंग कंडक्टर से अट्रैक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि फील्ड के अंदर। तो इसी कोई ना कोई बी की वैल्यू भी होगी, इससे निकाल लेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। मान लो इस करंट और इसके दरमियान में एयर मौजूद है, एयर है तो म्यू नॉट आएगा, एयर के अलावा कुछ होता तो म्यू नॉट इनटू म्यू आर आ रहा होगा, करंट पता आर पता निकाल लेंगे। अब मैं ए से कहां आ गया बी, मतलब सर्कल पे घूमता हुआ यहां से यहां। अब मुझे बताओ, जब मैं ए से बी पर आया, क्या मेरे ए से बी पे आने पे इसमें से गुजरने वाले करंट की सेहत पे फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। मेरे ए से बी पे आने पे क्या करंट बढ़ा या कम हुआ? नहीं, करंट को कुछ नहीं हुआ। मेरे ए से बी पे आने पे करंट ना बढ़ा और ना कम हुआ, ये बात पहले पड़ी बेटे। मेरे ए से बी पे आने पे करंट की सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? इसका मतलब जब आप ए से बी पे या सी पे या डी पे या ई पे या एफ पे जा रहे हो, करंट चेंज नहीं हो रहा। जब आप ए पे थे, मान लो दरमियान में एयर थी, जब आप बी पे आए, क्या आपके यहाँ पे आने में दरमियान में एयर की जगह कुछ और आ जाएगा? नहीं, वो तो जब तक डालेंगे नहीं कैसे आए, तो इसका मतलब म्यू नॉट भी चेंज नहीं होगा। जब आप ए से बी पे आ रहे हो, बी से सी पे आ रहे हो, क्या डिस्टेंस चेंज हो रहा है? ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, क्या चेंज हो रहा है? ये भी चेंज नहीं हो रहा। क्यों? बार बार कह रहे हैं किस पे मूव कर रहे हैं? सर्कल में। सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है? सेंटर से किनारे तक का फासला हमेशा कैसा होता है? सेम। और उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस। पल्ले बड़ा। ये भी चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, ये इन छह के छह पॉइंट पे कैसा होगा? सेम। मेरा बेटा पल्ले बड़ा। क्या बात समझ में आई? हमें ये बात समझ में आई कि हमारे पास मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, चेंज क्या हो रहा है? डायरेक्शन। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि बी वन जो मैग्नीट्यूड यहां पे है, वही मैग्नीट्यूड यहां पर है। अब टिल अगर आप एन पॉइंट्स भी लोगे इस सर्कल पे, सर्कल पे लेने ये पॉइंट्स आ रहे, तो आपके पास मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सेम होगा। पहले बड़ा मेरा बेटा, इसकी अभी अहमियत तुम्हें समझ में आएगी जो मैं इतनी लंबी कर रहा हूं ना, अभी जब एम्पियर्स लॉ पढ़ाऊंगा। देखो एक चीज ध्यान में रखना, अगर कभी भी चीजों को समझ के पढ़ना है ना, तो दिमाग को खोलना पड़ता है। ये चीज ध्यान में रखना भाई, इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है? यहां पे कुछ रखा हुआ है तो उसे यूज करना होगा, बस यही एक शॉर्टकट है। यहां तक समझ में आया? अभी तक के जो हमारे टेक अवे पॉइंट, जिसको मैं उम्मीद करूंगा कि सबको आने चाहिए, बायोट एंड सेवर्ट लॉ ऑन अ लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर वाई स्टेट्स दैट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू इट डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स, मीडियम, म्यू नॉट, करंट आई से शो हो रहा है, आर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की इक्वेशन ये फॉर अ लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर वाई है, ये बता रहे हैं कि पैरामीटर्स के ऊपर बी डिपेंडेंट है इन केस ऑफ लॉन्ग करंट कैरिंग। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी वेसिनिटी में जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी स्ट्रेंथ किस किस पैरामीटर पर डिपेंड है, वो यहां से पता चलता है। फिर हमने देखा कि अगर आप इस सर्कल पे अलग अलग 5, 6, 10, 12 पॉइंट लेते हो, तो क्या हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वेक्टर सेम होगा या अलग? पता चला अलग होगा। क्यों? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वेक्टर का डायरेक्शन कैसे मिलता है? विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। राइट हैंड का मतलब टेंजेंट बनेगा, राइट हैंड ग्रिपिंग रूल, तो यहां का टेंजेंट कुछ और, यहां का कुछ और, मतलब 12 के 12 पॉइंट्स का चूंकि टेंजेंट अलग है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी? अलग। तो हमने कहा उस सर्कल पे अगर आप जितने मर्जी पॉइंट्स ले लो, हर पॉइंट का डायरेक्शन अलग, हर पॉइंट का टेंजेंट अलग, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वेक्टर भी क्या होगा? अलग अलग। पहले बढ़ गई बात। फिर हमने कहा अब जरा मैग्नीट्यूड वाइज देखते हैं, हमें पता चला कि मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे क्या है? सेम। डायरेक्शन वेक्टर अलग है, क्योंकि वेक्टर मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है और डायरेक्शन पे भी करता है। वेक्टर अलग है, डायरेक्शन भी अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम, क्योंकि मैग्नीट्यूड यहां से मिलता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ठीक है मेरा बेटा, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई, ठीक है।
जब कभी भी आप सर्कल में मूव करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वेक्टर हर पॉइंट पे कैसा होगा, अलग अलग होगा ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर डायरेक्शंस दैट इज बीइंग गिवन बाय टेंजेंट। और एक सर्कल पे 36,000 पॉइंट्स हैं, 36,000 का टेंजेंट एक दूसरे से क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। यही टेंजेंट की खूबी खामी प्रॉपर्टी कह दो जो कह रहे, ठीक है। और मैग्नीट्यूड सेम होगा तो इनमें से कोई भी चीज चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब चलते अगला टॉपिक हमारे पास है एम्पियर्स सर्किट लॉ या एम्पियर्स लॉ। एम्पियर के लॉ को पढ़ाने के लिए सारे मंजन भेजे गए थे। जो हमारा एम्पियर का लॉ है क्या कहता है भाई, पहले तो क्यों है बेटे, इसके लिए जितने लोगों ने चैप्टर नंबर 12 पढ़ा हुआ है वो फायदा देगा। कोई एम्पियर्स लॉ कुछ भी नहीं है, जो मुकाम जो अहमियत गॉसस लॉ की है चैप्टर 12 में या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वही मुकाम वही अहमियत किसकी है, एम्पियर्स लॉ की। अभी बता दें गॉसस लॉ क्यों पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था मुझसे फिजिक्स क्यों पढ़ रहे। अबे जितने ज्यादा टीचर मिल जाएंगे फिजिक्स पढ़ाने के लिए, तो क्योंकि मैं न्यूमेरिकल्स करने की शॉर्ट ट्रेस बता रहा होता हूँ भाई, मैं देखे ना जाके फिजिक्स में या कहीं भी हम लोग एप्टीट्यूड में फिजिक्स पढ़ते ही हुए, शॉर्ट ट्रिक्स सही होती है, न्यूमेरिकल जल्दी हो जाए, काम आसान हो जाए। और ये काम गॉसस लॉ करते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालने के कई फॉर्मूले, E equals F upon Q, E equals KQ upon R square, E equals V by R, ये सारे फॉर्मूले। लेकिन अगर कभी भी आपको क्लस्टर ऑफ चार्जेस, क्लस्टर का मतलब बहुत सारे चार्जेस है, जुमगट्टा है, बहुत सारे चार्जेस है, उनकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो गॉसस लॉ एक शॉर्ट ट्रिक, ये एक शॉर्टकट है किसको निकालने का, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालने। पढ़ाया था ये गॉसस लॉ का फायदा क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्टकट है, ये लॉ लगाओगे इलेक्ट्रिकल फील्ड ने चुटकी बजाते हुए आते, यही काम है एम्पियर्स लॉ का। एम्पियर्स लॉ क्या है, एक शॉर्टकट है किस चीज के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालने के लिए या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालने के लिए। हमने पढ़ा था जितने भी चार्जेस हैं, याद है चार्जेस इनक्लोज होने चाहिए, पढ़ा था। और ये जो इनक्लोजिंग सरफेस होता है इसे हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। मेरा बच्चा याद आ रहा है, जितने भी चार्जेस होते हैं वो इनक्लोज होने चाहिए, और कहां पे इनक्लोज होने चाहिए, किसी गॉसियन सरफेस में। बिल्कुल ऐसे जो भी आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर इनक्लोज्ड होना चाहिए, किसमें इनक्लोज होना चाहिए, एम्पीरियल लूप में। यहां गॉसियन सरफेस है, यहां क्या है, बेटे रिजेंबलेंस नजर आ रही है ये। अब ये गॉसियन लॉ कुछ नहीं है, एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट भी शायद याद होगी, मैं बता देता हूं, ये उन लोगों के लिए जो अभी भी आके फाड़ फाड़ के देख रहे, ये स्टेटमेंट है जो भी आपके चार्जेस है वो सारे चार्जेस इनक्लोज होने चाहिए, किसमें, किसी गॉसियन सरफेस में। सिमिलरली एम्पियर्स लॉ की भी अपनी स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है, इस तरह की एक स्टेटमेंट है। अभी टेंशन नहीं लो, अभी सब पता चल जाएगा ये मैंने क्या किया है। ये स्टेटमेंट है, ईएनसी लिखा है, ईएनसी मतलब इनक्लोज, तुम पूरा इनक्लोज लिखना, वहां भी इनक्लोज पूरा लिखना, बावला बावला मत खेलना मेरी तरह, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर इनक्लोज होना चाहिए किसमें, एम्पीरियल लूप में। इसकी जो आपने एप्लीकेशन पढ़ी थी कुछ याद है, हमने इसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी, एक इनफाइनाइट चार्ज शीट जिसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी निकाली थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दो इनफाइनाइट चार्ज शीट्स और स्फीयर, याद है, इसकी भी एप्लीकेशन है। बिल्कुल ऐसे क्या एप्लीकेशन है भाई, इसकी एप्लीकेशन में एक सोलेनॉइड आता है, इसकी एप्लीकेशन में एक टोरॉइड आता है। मेरा बेटा पहले तो यहां पर अपने पास ना चीजों को देखो, मुश्किल नहीं है, जबरदस्ती का मुश्किल बनाओ ही मत। अभी तक हमने क्या पढ़ा,
बायोट एंड सेवर्ट लॉ क्या बता रहा था? बायोट एंड सेवर्ट लॉ बता रहा था कि एक बड़ी सी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर, उसकी विसिनिटी में जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये कौन कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट, म्यू नॉट पे, करंट पे और डिस्टेंस पे, ये बता रहा था सीधा सीधा। फिर हमने क्या पढ़ा, एक बड़ी सी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है, इसकी विसिनिटी में एक सर्कल है, इस सर्कल पे अलग अलग 35,000 पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वेक्टर दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है। रीजन क्यों मुख्तलिफ है, डायरेक्शन अलग है, वेक्टर मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, तो अलग अलग है, चेंज हो रहा है, ठीक है, याद है हमें ये बात समझ में आ गई है। चलो आगे देखो अब जरा, दूसरी चीज हमारे पास क्या अलग अलग पॉइंट के ऊपर वेक्टर तो अलग है, डायरेक्शन भी अलग है, लेकिन क्या मैग्नीट्यूड अलग है? नहीं, क्योंकि म्यू नॉट, जब आप ऐसे पॉइंट्स पे मूव कर रहे हो सर्कल में, तो म्यू नॉट चेंज नहीं हो रहा, करंट चेंज नहीं हो रहा और डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि सर्कल है ना, सर्कल में तो सेंटर से फासला क्या होता है, सेम, तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम। अब हम आते हैं नए लॉ पे, दैट इज एम्पीयर्स लॉ। एम्पीयर्स लॉ क्या है भाई? वही है जो गॉसियन लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, गॉसियन लॉ की एक स्टेटमेंट थी, एम्पीयर्स लॉ की एक स्टेटमेंट है, ये इसकी टेंशन नहीं लो, ये भी मेरा काम है समझाना, एकदम जबरदस्त समझ में। ये क्या है, भाड़ बड़ा करता क्या, पहले बोले गॉसियन लॉ क्या करता था, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालने का एक हैंडी टूल था, जहां कहीं क्लस्टर ऑफ चार्जेस आ जाए और आप फंस जाओ, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग निकालना मुश्किल हो रहा, लेंदी हो रहा, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा, कॉम्प्लेक्स हो रहा, आपने क्या बोला, गॉसियन लॉ लगाओ, आंसर निकाल, चार्जेस को एनक्लोज करना होता था गॉसियन सरफेस में, एप्लीकेशन का आदि शीट इनफाइनाइट चार्ज शीट, दो भी थी एक भी थी, पढ़ा था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एम्पीयर लॉ क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालने का शॉर्टकट, कहां पे, जब करंट अलग अलग ज्योमेट्रीज आना शुरू हो जाए, सोलेनोइड आ गया, तो अभी करंट कैरिंग कंडक्टर तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं ऐसे लपेटना शुरू कर दूं तो मसला खड़ा हो जाए, अभी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो बी की वैल्यू सिंपल है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर से निकालो, आंसर आ रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसे सोलेनोइड बना लूं, मतलब सोलेनोइड क्या होता है, सिलेंड्रिकल वाइंडिंग, ऐसे वाइंड किया हुआ है, ऐसे बना लूं, अब मसला है, क्योंकि बहुत सारे कंडक्टर्स हो गए, प्रॉब्लम हो गया, फिर पहले करंट सीधा था, अब करंट ऐसे घूमना शुरू हो गया, तो मसला, टॉरॉइड में भी करंट ऐसे तार में घूमता हुआ जा रहा है, तो मसला, इन तमाम मसले मसाइल के हल के लिए हमारा क्या है, ये शॉर्टकट यूज कर, बस करंट शुड बी इनक्लोज इन एन एम्पीरियल लूप, एप्लीकेशन क्या है, सोलेनोइड और टॉर। अब देखो भाई ये क्या क्या है, याद है, समझ में आ गई, एम्पीयर लॉ इज यूज टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फॉर ऑल द केसेस, लेकिन सम पर्टिकुलर ज्योमेट्रीज के अंदर बहुत एविडेंट होते हैं, क्योंकि आप उसमें बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो टेंशन नहीं लेना, अभी सब समझ लेंगे, बिल्कुल परेशान मत हो, अभी सब समझ में आएगा, ये स्टेटमेंट स्टेटमेंट सब समझ में आएगा। ये मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की विसिनिटी में मान लो मुझे इस पॉइंट पे, मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसकी विसिनिटी में यकीनन मैग्नेटिक फील्ड होगी, मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है और एम्पीयर्स लॉ को प्रूफ करना है, एम्पीयर्स लॉ क्या है, ये सब चीजें बच्चे पूछी जाती हैं थ्योरेटिकल पॉइंट से, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर किसी एम्पीरियल लूप में क्लोज होना चाहिए, एम्पीरियल लूप कोई भी ज्योमेट्री हो सकती है, सही है। मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, एक अदर सर्कल ले रहा हूँ, क्योंकि सर्कल को समझना हमारे लिए और कैरी करना हमारे लिए क्या है, आसान है। जैसे याद है जब हमने इनफाइनाइट चार्ज शीट का केस किया था, उसमें हमने क्या लिया था, सिलेंडर, उसे समझना और सॉल्व करना क्या था, आसान। यहाँ पर मैंने सर्कल लिया है, जो मैंने ब्लू से बनाया, क्या है, एम्पीरियल लूप। हम मुझे बताए जो मेरी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो ऐसे है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या होगी, टेंजेंट, मतलब अगर मैं यहाँ पे बनाऊ तो ये कुछ ऐसी होगी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे बनाऊंगा कुछ ऐसी होगी, यहाँ पे बनाऊंगा कुछ ऐसी होगी, यहाँ पे बनाऊंगा कुछ ऐसी होगी, यहाँ पे कुछ ऐसी होगी, यहाँ पे कुछ ऐसी होगी, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, नजर आ रहा है ना भाई यहाँ से सारा, बिल्कुल ये मेरी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैंने क्या करा, ये जो मेरा एम्पीरियल लूप है, अच्छी तरह देख लो, मेरा एम्पीरियल लूप यहाँ पे किस शक्ल का, एक अदर सर्कल की शक्ल का, सर्कल क्यों लिया,
क्या एम्पीयर लॉ ज्योमेट्री डिपेंडेंट है? नहीं, सर्कल के अलावा भी ले सकते थे, कोई भी अजीब सी कोई चिराग चक्कर ले लो, सॉल्व हो जाएगा, पर मसला बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा, सर्कल ही है। अब मैं अपने एम्पीयर लूप के छोटे छोटे टुकड़े करने लगा हूँ, क्यों कुछ टुकड़े कर रहा हूँ ये भी समझ लेंगे। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन है, जैसे ही आप आगे जाओगे थोड़ा सा आगे, यहाँ गए, यहाँ चेक करो, इसके और इसके डायरेक्शन में फर्क नजर आ रहा है, इसलिए छोटे टुकड़े कर रहे हैं। छोटे टुकड़े क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे अभी क्या करना है, मुझे बी डॉट डेल्टा एल करना है। बी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। डेल्टा एल क्या है? एम्पीरियन लूप का टुकड़ा। इस एम्पीरियन लूप का टुकड़ा लेंथ एलिमेंट आपकी किताब में लिखा है, लेंथ एलिमेंट। जब मैं ये करूंगा तो ये क्या बनेगा? बी डेल्टा एल कॉस ऑफ थीटा। अब मैं चाहूंगा कि ये जो कॉस थीटा है ये कितना हो जाए? प्लस वन। क्या हसीयत है, ये प्लस वन तब होगा जब थीटा मेरे पास कितना है? जीरो डिग्री। पहले बढ़ रहा है, ये प्लस वन कब होगा जब थीटा कितना है? जीरो डिग्री। तो थीटा को जीरो डिग्री करने के लिए लाजमी है कि मैं अपने एम्पीरियन लूप को, मतलब मान लो मैंने अपने एम्पीरियन लूप के छोटे टुकड़े कर दिए, ये एक टुकड़ा, इसे मैंने कहा डेल्टा एल वन, बेटे इसके ऊपर बना नहीं सकता, घिसमिस हो जाएगी, इसलिए ऐसे करा। ये दूसरा, इसे मैंने कह दिया डेल्टा एल टू। देखो मैंने इतने छोटे टुकड़े करे हैं कि ये जो मेरे पास डेल्टा एल है, ये जो मेरे पास डेल्टा एल है ये, और जो यहां पे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों तुम्हें कैसी नजर आ रही है? पैरेलल नजर आ रही है। अच्छी तरह देखो, तुम्हें बी टू पैरेलल नजर आ रहा होगा डेल्टा एल टू के, इसलिए इतना छोटा टुकड़ा करा है ताकि ये क्या हो जाए? पैरेलल। पैरेलल हो जाएंगे तो थीटा कितना होगा? जीरो। सॉल्व करना आसान हो जाए, पहले पढ़ा ये कम। गॉसियन लॉ में भी हमने ये किया, स्फीयर है, मतलब आपने एक स्फीयर लिया, उसके सेंटर में चार्जेस रख दिए, आपने स्फीयर का जो सरफेस था उसको छोटे 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 पैचेस में, कुछ ऐसा किया था शायद, अगर याद आया मैं बनाने की कोशिश करूं, यहाँ पे आपके पास चार्जेस थे बहुत सारे, आपने क्या करा था, आपने यहाँ पे छोटे पैचेस लिए, वजह ताकि यहाँ पे जो डेल्टा ए है और जो ई है इन दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाए? सेम। जब सेम हो जाएगा तो थीटा कितना होगा? जीरो। जब जीरो हो जाएगा तो आपके लिए ई डॉट डेल्टा ए निकालना क्या होगा? आसान। पहले बढ़ा मेरा बेटा। तो जो लोग चैप्टर 12 पढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं ना बुक से, उनके लिए मैंने ये चीज बता दी, देख लेना समझ में आ रहा है। सिमिलरली ये बी वन देखो जरा, यहाँ पे ये नजर आ रहा है, मैंने इसके बहुत सारे इस तरह से टुकड़े कर, मान लो ये मैंने टुकड़े कर दिए, ये ग्रीन जो है ना मेरा बच्चा, ये ब्लू के ऊपर ही चल रहा है, समझाने के लिए अलग से दिखाए। ये मान लो मेरे पास डेल्टा एल एन, ठीक है, यहाँ पे जो आखिरी टुकड़ा डेल्टा एल एन, बात समझ आ गई। और ये मेरे पास क्या है? बी। मेरा बेटा मैं फिर समझा रहा हूँ क्या की है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी विसिनिटी में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ निकाल ली थी एक पॉइंट पे, मैंने एम्पीरियन लूप कंसीडर कर लिया क्योंकि एम्पीयर लॉ लगाने की कंडीशन है कि करंट कैरिंग कंडक्टर एम्पीरियन लूप में इनक्लोज होना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को डिफाइन करा, मुझे पता है हर पॉइंट पे टेंजेंट है, तो मैंने छोटे 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 एन टेंजेंट्स बना लिए, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अगर मैं एक बी वन बी टू बी टू सबको जोड़ूंगा तो ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो मैंने हर पॉइंट पे टेंजेंट्स डिफाइन कर दी। मैंने इसी के लिहाज से एम्पीरियन लूप को तोड़ दिया ताकि हर पॉइंट पे छोटा छोटा एम्पीरियन लूप का टुकड़ा हो, इतना छोटा कि वो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के और क्या हो, पैरेलल हो। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बी वन डॉट डेल्टा एल वन कर, बी वन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट नंबर वन। डेल्टा एल वन क्या है? एम्पीरियन लूप का पहला टुकड़ा जो बी वन के साथ क्या है? पैरेलल। इतना छोटा कि बी वन के साथ पैरेलल। सॉल्व करूंगा बी वन डेल्टा एल वन कॉस ऑफ जीरो डिग्री, क्योंकि ये टुकड़ा इतना छोटा है कि दोनों पैरेलल है। कॉस जीरो डिग्री कितना है? वन। क्या वन? बी वन डेल्टा एल। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो अभी पीछे मैंने मंजन बेचा था, ये बी वन वेक्टर, बी टू वेक्टर, बी थ्री, बी फोर अप टिल बीएन, क्या ये वेक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपस में बराबर है या अलग अलग है? तो आंसर विल बी ये क्या है? अलग अलग है। मेरा बेटा क्यों अलग अलग है? क्योंकि हर पॉइंट की डायरेक्शन दूसरे से क्या है? मुख्तलिफ है। पढ़ाया था हर पॉइंट की डायरेक्शन दूसरे से क्या है? मुख्तलिफ है। इसलिए तमाम वेक्टर्स भी एक दूसरे से क्या है? मुख्तलिफ है। इतनी बात ध्यान में रहेगी, ये तमाम वेक्टर्स एक दूसरे से क्या है? मुख्तलिफ है। तो वेक्टर वाइज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अलग है, क्यों? क्योंकि टेंजेंट्स आर डिफरेंट,
विच मीन्स डायरेक्शन इज डिफरेंट। लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैं कहूंगा, क्या मैं कह सकता हूं मैग्नीट्यूड बी वन का, बी टू का, बी थ्री का, अप टिल बी एन, इन सब का सेम है? हाँ या ना? बिल्कुल सेम है, क्योंकि एक करंट कैरिंग वायर है और इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। और जब आप इधर 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 मूव करते हुए जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो रही, तो मैं इन सबको बी कह देता हूं। मतलब बी वन का मैग्नीट्यूड भी कितना है बी, बी टू का मैग्नीट्यूड भी कितना है बी, बी थ्री का मैग्नीट्यूड भी कितना है बी, और बी एन का मैग्नीट्यूड भी कितना है, मतलब सबका मैग्नीट्यूड क्या है, बल्ले बड़ा बच्चे, रट्टा एक आने का नहीं है इसमें, ये ध्यान में रखो। ये बी वन डेल्टा वन आ गया, तो अब बी वन तो हमें पता है बी के बराबर है, मैंने इसे क्या कह दिया बी डेल्टा एल। बी क्या है, इस सर्कल पे कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। डेल्टा एल वन क्या है, एम्पियर या बी ने लूप का टुकड़ा। अगर मैं बी टू निकालू, बी टू डॉट डेल्टा एल, और से देखो टिकट करता हुआ जाएगा, क्या बनेगा बी डेल्टा एल टू। सिमिलरली अगर मैं बी एन डॉट डेल्टा एल एन निकालू एन एल, क्या बनेगा बी डेल्टा एल। मेरा बेटा यहां तक बात समझ में आई है आपको? जिंदगी में पहली बार अच्छे से एम्पियर लॉ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई हो। अब मैंने क्या करना है, मैंने ऐड करना है बी वन डॉट डेल्टा एल वन प्लस, मतलब इक्वेशन ऐड कर रहा हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी। और से देखो इक्वेशन से क्या बोला बच्चे, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे डॉट प्रोडक्ट है, राइट साइड पे ये, इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे ये है डॉट प्रोडक्ट, राइट पे ये है, इक्वेशन के लेफ्ट पे ये है राइट पे ये, ऐड कर रहा हूं तो बी टू डॉट डेल्टा एल टू अप टिल बी एन डॉट डेल्टा एल एन। मेरा बेटा ये मैंने सब की लेफ्ट हैंड साइड ऐड करी, पहले बढ़े ये सबकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स, इसकी राइट हैंड साइड क्या था बी डेल्टा एल वन, इसकी राइट हैंड साइड क्या है बी डेल्टा एल टू। चेक करने तो नजर भी आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहा, चलो नीचे आ जाते बेटे, ये इक्वल टू के बाद नीचे आ गए, आपने एक ही लाइन में लिख लेना बी डेल्टा एल वन प्लस बी डेल्टा एल टू अप टिल बी डेल्टा एल। ठीक है मेरा बेटा, बात समझ में आ रही है? अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये बेसिकली क्या है, सारे के सारे डॉट प्रोडक्ट ऐड हो रहे हैं, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं सिग्मा, सिग्मा क्या है समेशन बी वाई डॉट डेल्टा एल वाई। अभी सब समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना, वाई इक्वल्स वन टू वाई इक्वल्स एन इक्वल्स। अब देखो मेरा बच्चा राइट हैंड साइड पे बी सब में कॉमन आ रहे हैं, बी कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में क्या है डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू अप टिल, क्या बन जाएगा अप टिल डेल्टा एल एन। मेरा बच्चा मेरा देखो यहां पे मैंने क्या हरकत करी, ये क्या लिखा है, ये अजीब भयानक सी चीज बेटे, आपके पास यहां क्या लिखा होगा बी वन डॉट डेल्टा एल वन प्लस बी टू डॉट डेल्टा एल टू, ये था सही। सिमिलरली बी थ्री डॉट डेल्टा एल थ्री, गौर से समझो क्या होगा, सिमिलरली बी एन डॉट डेल्टा एल। अगर मैं कहता हूं मुझे इन सबको प्लस करो, ये क्या हो रहा है, तमाम डॉट प्रोडक्ट एड हो रहे, सही है। सिग्मा क्या शो कर रहा है समेशन, मैंने लिखा बी वाई डॉट डेल्टा एल वाई, वाई सिंपल एक नंबर है, पहली दफा में वाई की वैल्यू कितनी है वन, तो मैंने लिखा वाई को वन से स्टार्ट करूं और वन टू थ्री कहां तक जा रहा है एन, वाई कहां तक जाएगा एन, तो पहली दफा में वाई वन होगा तो बनेगा बी वन डॉट डेल्टा एल वन, अगली दफा में वाई टू होगा, फिर अगली दफा में वाई थ्री होगा, तो ये इस सब को लिखने का एक तरीका है, सिग्मा बी वाई डॉट डेल्टा एल वाई वन से लेके कहां तक एन। आपकी किताब में ऐसे लिखा होगा, अब शायद किताब पढ़ो तो समझ में भी आएगा और मजा भी आएगा। ठीक है, बी कॉमन निकाल रहे क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, डेल्टा एल वन क्या है एम्पीरियल लूप का पहला टुकड़ा, डेल्टा एल टू एम्पीरियल लूप का दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, तो ये बेसिकली मुझे क्या मिल रहा है, ये पूरी चीज क्या मैं कह सकता हूं, ये मुझे पूरा एम्पीरियल लूप की मेजरमेंट मिल रही है, हाँ या ना?
और मेरा जो एम्पीरियल लूप था ये क्या था, सर्कल था। और अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर मैं यहां से नापना शुरू करूं, इधर से लेके ऐसे नापते 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 यहां तक आऊं सर्कल में, अगर मैं यहां से नापते 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 यहां तक आऊं, तो ये क्या होता है, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कल की बाउंड्री की मेजरमेंट, सर्कल की बाउंड्री कितनी बड़ी है, ये बेसिकली क्या होता है, सर्कमफेरेंस। बच्चे ये सब पढ़ा हुआ है ना हमने, तो बेसिकली ये क्या है, एम्पीरियल लूप जो कि सर्कल था, यानी कि ये सब मिला के क्या बन जाएंगे, सर्कमफेरेंस। ये सब का सब समेशन किसके बराबर आ रहा है, सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो बी मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, और बी अभी मैंने पीछे बायोटिन सेवर लॉ में पढ़ाया था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आती है, अगर मैं इसको लिखूं, सिग्मा बी डॉट डेल्टा एल इक्वल्स म्यू नॉट आर, ये क्वेश्चन समझ आई मेरा बच्चा, ये आ गई इक्वेशन फाइनल, हाय ना। अब एम्पीयर्स लॉ की स्टेटमेंट क्या लिखी हुई मिलती है, चेक करो और से देखना, यहीं से पढ़ना सिखाऊंगा, रट्टा नहीं। सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्यों टेंजेंशियल कंपोनेंट, क्योंकि हर पॉइंट पे क्या थे, वो टेंजेंट थे। सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट्स ऑफ एन एम्पीरियल लूप, किसके थे, एम्पीरियल लूप के, इक्वल्स म्यू नॉट टाइम्स द अमाउंट ऑफ करंट इनक्लोज इन द लूप पासिंग थ्रू द कंडक्टर। भले बड़ा, मैं रिपीट कर रहा हूं, सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट्स ऑफ एन एम्पीरियल लूप इक्वल्स म्यू नॉट टाइम्स द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर दैट वाज इनक्लोज इन द एम्पीरियल लूप। बेटे एलिमेंट आपको किताब में लिखी मिल जाएगी, सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एंड लेंथ एलिमेंट ऑफ अ क्लोज कर्व टेकन इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, वही बात लिखी मिलने की किताब में, पहले बड़ा। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये क्या है, ये स्टेटमेंट है एम्पीरियल एम्पीयर्स लॉ का, कहाँ यूज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मालूम करने के लिए, स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए, क्लियर है मेरा बेटा, ठीक है। तो इसके हमारे पास दो एप्लीकेशन है, एक सोलेनोइड है और एक टोरॉइड है। मैंने जितनी डिटेल में ये पढ़ाया है, सोलेनोइड और टोरॉइड उतनी डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा और बता दूंगा इसमें से सवाल कैसे कैसे आए। इसमें से सवाल जो एम्पीयर लॉ में पढ़ा है वो कैसे कैसे आता है, ये पूछ लेते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वेक्टर हर पॉइंट पे सेम है क्या, अलग है, अच्छी तरह देख लिया अब तो, मैग्नीट्यूड का पूछेगा, बायोटिन सेवन लॉ के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, करंट बता देगा, डिस्टेंस बता देगा, बोलेगा बी का वैल्यू निकालो, या बी बता देगा आर का वैल्यू निकालने, बोलेगा तो कर लोगे, मुझे उम्मीद है इतना तुम मेच्योर हो चुके हो तब मेरे साथ रहते हो, ये पूछेगा। सोलेनोइड का सवाल आता है, सोलेनोइड क्या है, जो सोलेनोइड की जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड, तो हम लोग यही एम्पीयर्स लॉ यूज करते हैं। बेटा सोलेनोइड है क्या, मान लो कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल कोर है और आपने इस पे वाइंडिंग करी है, कुछ इस तरह से आपने इस पे क्या करी हुई है, वाइंडिंग करी है। ये सिलेंड्रिकल कोर जो है ना, ये जो कोर है, ये जो ब्लू से मैंने बनाया है, ये कोर लाजमी नहीं है कि ये कोर किसी मटेरियल का हो, ये एयर का भी हो सकता है, ये ध्यान में रखना, ये एयर का भी हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। अब समझो यहां बच्चे, होगा क्या, जब इसमें से करंट पास करता है ना, तो होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाती है इस तरह से, बात समझ आ रही, एक तरफ से फ्लक्स बाहर आ रहा होता है, एक तरफ से फ्लक्स अंदर आ रहा होता है। यही कुछ हमने अपने नॉर्थ पोल साउथ पोल वाले बार मैग्नेट में भी देखा था, याद है, इस तरह से नॉर्थ से फ्लक्स आ रहा था और साउथ से फ्लक्स क्या हो रहा था, अंदर दाखिल हो रहा था। तो ध्यान में रखना, एक करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव करती है एज ए बार मैग्नेट, एक पोल इसका नॉर्थ की तरह बिहेव करता है, एक पोल इसका साउथ की तरह बिहेव करता है, भले पड़ेगा। अब जरा यहां देखो, मुझे कैसे पता चला कि ये इस तरह से जाएगा, बेटे ऐसे पता चला, राइट हैंड रूल। अब यहां देखो, वही बात बताने लगा हूं दोबारा से, राइट हैंड रूल में दो चीजें, एक थंब है और एक कर्लिंग फिंगर्स है। अब घूम क्या चीज रही है, करंट घूम रहा है, देखो करंट ऐसे घूमता हुआ नजर आ रहा है, तो कर्लिंग फिंगर्स अभी किसको शो कर रही है, करंट को, और सीधी जाती भी अभी यहां क्या चीज नजर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो थंब है ये किसको शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड, चेक करो,
यहां से करंट ऐसे आता हुआ नजर आ रहे, ऐसे जा रही, पहले बढ़ रहा है, आया ना। अभी तुम्हें इसको आगे से भी दिखा दो, टेंशन नहीं लो, ये ऐसे फिलहाल ऐसे देखते रहो, ऐसे नजर आ रहे, ऐसे देखो, ऐसे करंट ऐसे जा रहे, ऐसे घूम के करंट ऐसे जा रहे, ऐसे ऐसे जा रहे, तो ऐसे जा रहे, ये भी बहुत बोर है, करंट ऐसे 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 जा रहे, यहां करंट ऐसे जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पहले बढ़ा। तो लिख लेना सोलेनोइड विल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, जब कभी भी उसकी जो वाइंडिंग है उसमें से क्या पास हो रहा होगा, करंट जा रहा होगा, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो सोलेनोइड का अंदर वाला हिस्सा होता है ना सारा, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ध्यान में रखना, ये स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म होती है, जबकि बाहर जो सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वीक होती है और आइडियली नेग्लिजिबल होती है। ये लिख लेना, इनसाइड द सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड है ये स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म होती है और बाहर नेग्लिजिबल होती है। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालते वो मैं अवॉइड कर चुका हूं, डेरिवेशन फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। अब यहां देखो, मैंने भी बताया था ना, कोर लास्ट की नहीं किसी मटेरियल की, यहां म्यू नॉट आ रहा है, इसका मतलब आपने वाइंडिंग हवा में लिपटी हुई है, कोर एयर का है, एयर के ऊपर वाइंडिंग करी हुई है। तो अगर आपको मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ानी है आप किस पे करते हो वाइंडिंग, आयरन, तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर, आयरन का मूल्य 300 होता है, वो म्यू आर 300 है, जब 300 आएगा तो अल्टीमेटली मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये जो एन है ये नंबर ऑफ टर्न्स नहीं होते, ये है एन अपॉन एल, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, एल क्या है लेंथ। बहुत सारे बच्चे इसको डायरेक्टली नंबर ऑफ टर्न्स रखते हैं तो भंड हो जाते हैं, आंसर गलत आता है, ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, ध्यान में रखना ये सारी बात। क्या क्या बातें बताई भाई, अभी खत्म नहीं हुआ, इससे बहुत कुछ आता है। करंट कैरिंग सोलेनोइड विल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, बिल्कुल बार मैग्नेट, एक पोल से फ्लक्स निकल रहा है, एक पोल में फ्लक्स दाखिल हो रहा है। आउटसाइड द सोलेनोइड फ्लक्स लाइन विल मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द सोलेनोइड फ्लक्स लाइन विल मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जो हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया, ठीक है। फिर इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये रहा म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट क्या है परमीएबिलिटी ऑफ द कोर, अभी म्यू नॉट आर इसका मतलब कोर किसकी है, एयर की है, कोई और चीज होगी तो म्यू नॉट इनटू म्यू आर, ये स्मॉल एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई क्या है जो वाइंडिंग में से करंट गुजर रहा है, ठीक है। अब एक और चीज देखो, सोलेनोइड में ही एक और चीज देखी जाए, दोबारा देखो, ये मान लो मेरा सोलेनोइड है, ये सोलेनोइड में से करंट पास कर रहा है, मान लो इसको, अगर मैं कह रहा हूं इसके अंदर ये वाला पोल नॉर्थ है, ये वाला पोल साउथ है, देखो मेरा बेटा, अगर मैं इसको आगे से देखूंगा, मैं इधर से खड़े होकर देखूंगा इसे, तो मुझे सर्कल सा नजर आएगा ना, ऐसे नजर आएगा सर्कल ऐसे, और अगर मैं इधर से देखूंगा तब भी मुझे सर्कल नजर आएगा, जैसे ये राइट हैंड रूल, करंट कैसे घूम रहा है, यानी कि कर्लिंग फिंगर्स करंट को शो करेंगे, थंब किसे शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं नॉर्थ पोल की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं नॉर्थ, गौर से सुनना ये बात, आगे जो हमारा लेंस लॉ वगैरह सारे मंजर है ना, उसका डायरेक्शन इसी तरीके का, और अगर मैं ऐसे रखता हूं, थंब कहां आ रहा है आउटसाइड, थंब शो किसे कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स को, फ्लक्स को, थंब कहां आ रहा है आउटसाइड, आउटसाइड आ रहा है क्योंकि ये नॉर्थ है, नॉर्थ से फ्लक्स कहां आता है आउटवर्ड, नॉर्थ से फ्लक्स कहां आता है, नॉर्थ से फ्लक्स कहां आ रहा है, करंट देखो जरा, करंट ऐसे जा रहा है, करंट कैसे जा रहा है, और ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, पहले बढ़ा फिर रिपीट करो, राइट हैंड रूल, कर्लिंग फिंगर्स थंब, कर्लिंग फिंगर्स करंट को शो को नहीं, क्योंकि करंट घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट घूमा फ्लक्स कहां आ रहा है। तो अगर आप यहां से खड़े होकर देखोगे, अगर एक बंदा यहां खड़ा हुआ है, यहां से अगर फ्लक्स बाहर आ रहा है, इस बंदे को लगेगा कि करंट कैसे है सामने नॉर्थ पोल, पहले बढ़ा करंट कैसा है नॉर्थ पोल, ठीक है। अबे करंट नॉर्थ पोल क्या बोल रहा हूं, करंट कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहां से अगर ये बंदा देखेगा तो इसे करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाता हुआ नजर, पहले बढ़ा है, देखकर अगर साउथ पोल है मतलब फ्लक्स क्या हो रहा है अंदर जा रहा है, करंट कैसा है इसे चेक करो, करंट कैसा है करंट क्लॉकवाइज है साउथ पोल, फ्लक्स क्या हो रहा है
इनवर्ट। फ्लक्स आउटवर्ड को कैसे शो करते हैं? डॉट्स। इनवर्ट को कैसे शो करेंगे? बल्ले बड़ा चेक करो, आउटवर्ड फ्लक्स एंटी क्लॉकवाइज करंट, ठीक है, इनवर्ट फ्लक्स क्लॉकवाइज। मतलब यहां पे अगर एक बंदा खड़ा हुआ है, इसे नजर आएगा इधर जो करंट है, इधर जो करंट है ऐसे जा रहा है ना, इसे नजर आएगा करंट कैसा है क्लॉकवाइज, जो मैंने अभी बताया था। मैंने क्या बताया, करंट ऐसे 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 जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है। इधर बंदा खड़ा हुआ उसे ऐसे जाता नजर आ रहा है, ये क्या है क्लॉकवाइज। यहां बंदा खड़ा हुआ है इसे ऐसे ऐसे आता नजर आ रहा है, पहले पढ़ा मेरा बेटा, सही है ना, देखो रिपीट कर, ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे जा रहा है, ऐसे जाता हुआ नजर आ रहा है इधर वाले, क्या है ये क्लॉकवाइज इनवर्ट फ्लक्स साउथ पोल। इधर खड़ा हुआ है ऐसे नजर आ रहा है, मतलब मुझे ऐसे आता हुआ करंट नजर आ रहा है, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज का मतलब, ये क्या है नॉर्थ पोल। पहले बड़ा एक और इनको याद रखने का तरीका हो, ये बना रही है तो इस फिगर को दोबारा बनाओ, अगर ये नॉर्थ है ये तो गारंटी नहीं पड़ा होगा, देखो आपने यहां नॉर्थ बनाया, यहां पे आपने एस बना लिया, ठीक है, ये कुछ साला जरा सिलिंडरी टाइप का एस बन गया आपका, ठीक है, ये आपका नॉर्थ। अब देखो नॉर्थ पोल है, आपने एन बनाया और उस पर एरो लगा दिया, ये कैसे घूमता हुआ नजर आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान में रखना एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो वो पोल कैसा है नॉर्थ पोल, वो यहाँ के फ्लक्स इमिट कर रहा हूं, एस बनाया ये और एरो लगा दी। अगर क्लॉकवाइज घूमता हुआ करंट है, करंट ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, पोल कौन सा होगा साउथ, मतलब के फ्लक्स कहां जा रहा होगा। बेटे बल्ले बढ़ गया यहां तक, ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है करंट तो फ्लक्स कैसा है आउटवर्ड नॉर्थ पोल, उसको हम ऐसे भी याद रखते हैं, ध्यान में रखना, ये नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज करंट नॉर्थ पोल, गोया के फ्लक्स क्या होगा साउथ पोल के लिए, ऐसे याद रखते हैं। कैसा है ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट है, ठीक है क्लॉकवाइज करंट है, तो फ्लक्स क्या होगा इनवर्ट साउथ है ना, साउथ की पहचान क्या, फ्लक्स इन होता है बाय। ध्यान में यहां तक सारी बातें क्लियर है, ये हमारा सोलेनोइड का, बिल्कुल इसी तरह का हमारे पास एक टोरॉइड है। सोलेनोइड समझ तो गए थे ना क्या था, आपके पास मान लो ये एक सिलेंड्रिकल कोर है, इस पे आपने इसे वाइंडिंग लपेटी, ठीक है, अगर आप सोलेनोइड को ही सर्कुलर कर दो, ये मान लो आपके पास सोलेनोइड था, ये सिलेंड्रिकल सोलेनोइड था, आपने इसको ऐसे सर्कल में बेंड कर दिया, सिलेंड्रिकल सोलेनोइड था तो ऐसे बेंड कर दिया, क्या बन गया वो सर्कल। कभी अगर वॉश बेसन वगैरह का पाइप देखा जो फ्लेक्सिबल होता है, मैं तो घर में चेंज करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग नहीं करते होगे शायद, तो पापा की प्रिंस होगी तो बड़ी होगी, ठीक है, इसलिए वरना बहन जो मेरे जैसे बंदे हैं वो तो एक काम कर लेते हैं भाई, ठीक है पापा की बड़ी थोड़ी है, तो क्या है हमारे पास, ये हमारे पास सोलेनोइड है, ठीक है, इस सोलेनोइड को अगर मैं सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दूं तब क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, क्या टोरॉइड, टोरॉइड कुछ भी नहीं है सर्कुलर सोलेनोइड, ठीक है, मैंने बना दिया सर्कुलर सोलेनोइड। अब इसमें ये हमारे पास वाइंडिंग होती है इस तरह से, ये वाइंडिंग क्या है ये भी समझ लो जरा, वाइंडिंग किस तरह से हो रही है, देखो मेरा बच्चा बोल दो समझना जरा, ये अच्छा जहन में जरा इमेजिन क्या करोगे, जहन में इमेजिन कर लो, कभी किसी टायर वाले की दुकान देखी है तो उसके बाहर जो ना वो ट्यूब्स हैंग हुई भी होती है, जो गाड़ी के टायर में होती है या बाइक के टायर में, ट्यूब उसमें हवा भरी हुई थी, या कोई कभी स्विमिंग पूल में गए हो तो उसमें भी होती है, ट्यूब है उस ट्यूब के ऊपर आपने बाइंडिंग करी थी, वो ट्यूब है तो बाइंडिंग करी थी आप, ये वही चीज, अगर ये बाइंडिंग ऐसे घूमी ऐसे आई ऐसे घूमी ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, पहले बड़ा अब होगा क्या, ये ऐसे घूम के ऐसे आ रही है ऐसे आ रही है, पहले बड़ा मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है मेरा बेटा, फिर रिपीट कर देता हूं, ये मान लो इस तरह से घूमेगी, ठीक है समझाने के लिए बताया, अब होगा क्या करंट ऐसे आया, मिसाल दे रहा हूं करंट ऐसे आया, करंट ऐसे आएगा फिर ऐसे पीछे जाएगा फिर ऐसे यहां पे आएगा, पहले बड़ा नहीं, करंट मेरा बच्चा ऐसे आया फिर ऐसे घूम के दोबारा यहां से आएगा, करंट ऐसे आया फिर पीछे गया फिर ऐसे आया फिर पीछे गया फिर ऐसे आया, पहले बढ़ रहे फिर पीछे गया फिर ऐसे आया फिर पीछे गया फिर ऐसे आया, बात समझ आ रही, मिसाल दे रहा हूँ करंट ऐसे आ रहा है, राइट हैंड रूल आपका अगर आप करते हो, करंट ऐसे आ रहे ऐसे जा रहे हैं ना बेटे, करंट ऐसे जा रहे ऐसे जाके ऐसे जा रहे, करंट ऐसे जा रहे,
बात समझ आ रही? करंट ऐसे जा रहा है, ताओ के बाद जो थंब की डायरेक्शन है वो ऐसे होगी, यहाँ यहाँ पे थंब ऐसे होगा, यहाँ थंब ऐसे होगा। मैं फिर समझा रहा हूँ, टेंशन नहीं लो, मैं फिर समझा रहा हूँ, दोबारा नए सिरे से एक टॉरॉइड बना के समझो। अभी सब समझ गया? मुझे पता है मैं थोड़ा सा जल्दी लेके जा रहा हूँ, लेकिन इतना जितनी मैं डिटेल दे रहा हूँ ये बहुत है। एप्टीट्यूड के लिए तो मोर देन इनफ है, बल्कि कुछ ज्यादा ही है। ठीक है मेरा बेटा, हो गया है। यहां से मान लीजिए करंट आया ऐसे, अब होगा क्या मेरा प्यारा बेटा, करंट ऐसे आया, ऐसे पीछे से घूमेगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे पीछे से घूमेगा, फिर ऐसे आएगा। बात समझ आ रही है? ये करंट घूम रहा है, करंट घूम रहा है, ऐसे घूमा घूमा, ऐसे गया, फिर पीछे से घूमा, फिर ऐसे आया, ऐसे गया, फिर पीछे से घूमा, ऐसे फिर ऐसे आया। बात समझ आ रही है? ऐसे घूमा घूमा घूमा, ऐसे घूमा घूमा घूमा, ऐसे घूमता जा रहा है। बात समझ आ रही है मेरा बेटा? अब हो रहा क्या है, अब देखो मैं तुम्हें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखा रहा हूं। ये ना करंट ऐसे घूम के यहां से पीछे जा रहा है, तो ये मेरे पास ये आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड बनाई ये इस। फिर यहां से देखो जरा ऐसे जा रहा है, ये मतलब हर पॉइंट पे बनाओगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ गया। जब तुम इसे ट्रेस करोगे, ट्रेस करने पर ये तुम्हें इस तरह से एक अदद अंदर एक अदद वास्तव में आएगी। अगर मैं अंदर वाले को रेड से कर दूं तो मैं इस तरह से एक अदद मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये बात समझे? ये मैंने अंदर बनाया ना सर्कल, ये मेरे पास मेरा बेटा क्या होता है, ये अंदर बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टॉरॉइड एग्जिस्ट कर, अंदर मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टॉरॉइड। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टॉरॉइड है इसका हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज बी इक्वल्स म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई। म्यू नॉट वही है परमिएबिलिटी, आपने किस चीज के ऊपर ये वाइंडिंग करी थी। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल एन सीधा सीधा नंबर ऑफ टर्न्स। आई क्या है, करंट। आर रेडियस है। अब रेडियस को जरा यहां समझ लो, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अगर मैं यहां से बनाऊ ना, आपको तीन सर्कल नजर आ रहे हैं, एक ये ब्लू वाला इनर सर्कल है, एक ये रेड वाला है, एक ये ब्लू वाला आउटर सर्कल है। ये जो इनर वाला है ना इसको मैं कह रहा हूं आर इनर, ये जो आउट वाला है ना इसे मैं कह रहा हूं आर आउटर। ये जो रेड तक का है ना ये बेसिकली क्या है, आपने यहां पे जो आर रखना है, ये आर कौन सा है, ये रेड वाले पहले बड़ा। अगर आपको इनर दे दिया जाए और आपको आउटर रेडियस दे दिया जाए और आपको आर निकालो, कैसे निकालोगे, इन दोनों का एवरेज लो, आर इनर प्लस आर आउटर डिवाइडेड बाय 2, ये क्या हो जाएगा, इस तरह का भी एक न्यूमेरिकल आ चुका है। पहले बड़ा, आपको इनर रेडियस दे दिया टॉरॉइड के सर्कल का, आउटर रेडियस दे दिया, आपको कहा जा रहा है इसका रेडियस बताओ जो कि बेसिकली फील्ड ऑफ टॉरॉइड है, सर्कुलर फील्ड ऑफ टॉरॉइड है उसका रेडियस। अरे बेटा बात समझ में आ रही है? अब यहां पर अगर आप इनर रखोगे तब भी गलत आएगा, आउटर रखोगे तब भी क्या होगा, बात समझ में आ रही? नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इससे न्यूमेरिकल भी कराएंगे आपको टॉरॉइड के हवाले से। पूरी वीडियो की अगर मैं कहानी को समअप कर दूं सोलेनोइड से ऑनवर्ड्स, हमारे पास सोलेनोइड और टॉरॉइड क्या है, स्पेशल एप्लीकेशन है इसकी। उसी सोलेनोइड को बेंड कर दिया सर्कल की फॉर्म, यही वाइंडिंग क्या बन गया, टॉरॉइड। टॉरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कहां है, इनसाइड द, वही बात है सोलेनोइड के अंदर थी ना, टॉरॉइड के भी अंदर ही है सारी फील्ड। ठीक है बल्ले बढ़ रहा है, वही कहानी चल रही है। क्या पी इक्वल म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, आर कौन सा लेना है वो भी बता दिया, एक इनर है मतलब एक अंदर वाला सर्कल है, एक बाहर वाला सर्कल है। आपने आर जो ये इनके मीन है ना या एवरेज है वाला आर, तो जो फील्ड को शो करे पहले बढ़ गया मेरा बेटा। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक चैप्टर 14 सारा का सारा अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आगे स्टार्ट करते हैं। यहां तक समझ में आ गया है तो मुझे बताना,
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बच्चे ऑल द बेस्ट।